brought to you by American Pistachios. क्या बंगाल से आने वाली फायर ब्रांड नेता और लोकसभा की सांसद महुआ मोइत्रा का राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है? क्या ममता बनर्जी की दिल्ली में सिपहसालार का करियर निराशाजनक ढंग से खत्म होने वाला है? संसदीय करियर से उनकी रुखसती होने वाली है या फिर अभी बचाव के रास्ते बरकरार हैं? क्योंकि आज के दिन जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, एथिक्स कमेटी की वोटिंग हो चुकी है, वही एथिक्स कमेटी जिसकी रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा की लोकसभा की सांसदी खत्म करने की संस्तुति की गई है। इस कमेटी की वोटिंग में कौन से सांसद मौजूद थे भाजपा और विपक्षी दलों के, और भाजपा और विपक्षी दलों के कौन से सांसद वोटिंग में नहीं आए थे और क्यों नहीं आए थे? फैसला आने के बाद क्या बयानबाजियाँ हो रही हैं? स्पीकर के पास किस तरह के विकल्प हैं? वोटिंग होगी अगर लोकसभा में तो कब होगी, और इसको लेकर संसदीय मामलों के जानकार क्या कह रहे हैं? वैसे माननीयों की बात हो रही है तो एक और खबर है जो सुर्खियों में है, जिसमें तय हुआ है कि जब जब जनप्रतिनिधियों के, खासतौर पर विधायकों सांसदों के मामले आए तो उन पर शीघ्रतापूर्ण ढंग से सुनवाई हो। सुनवाई कोर्ट में होती है, और कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि देश की आला अदालत को अपनी पूरी स्ट्रेंथ के मुताबिक नियुक्तियां मिल गई हैं। इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। शो में पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से। कोर्ट को 3 नए जज मिले, 34 जजों की जो फुल स्ट्रेंथ है वो पूरी हो गई। आज 9 नवंबर के दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने देश के 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई। इनका परिचय जान लेते हैं। सूची में पहले हैं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, मध्य प्रदेश के रहने वाले, मध्य प्रदेश की ही हाई कोर्ट में पहले जस्टिस बने, उसके बाद वर्किंग एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे कर्नाटक हाई कोर्ट में, इसके अलावा तेलंगाना और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। दूसरा नाम जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट के जस्टिस रहे, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। तीसरा नाम है जस्टिस संदीप मेहता का, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से पहले जस्टिस मेहता गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर कार्यरत थे। 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में की थी। कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास 34 जजों की स्वीकृत शक्ति है, मौजूदा वक्त में 31 ही काम कर रहे हैं। सिफारिश को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद अब ये 3 नई नियुक्तियां हुई हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक और आदेश की करते हैं जो सांसदों और विधायकों पर लंबित मामलों की सुनवाई से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 9 नवंबर के दिन उच्च न्यायालयों को जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों की निगरानी के लिए एक विशेष पीठ गठित करने और स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने का आदेश दिया। आदेश क्यों? ताकि सांसद विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले जल्द निपटाए जा सकें। दरअसल MP MLA के खिलाफ आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका डाली थी। इसी पर सुनवाई करते हुए CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की बेंच ने आदेश जारी किया और सुनवाई के दौरान एक बयान दिया। क्या कहा जजेस ने? संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट्स को अधीनस्थ न्यायपालिका पर अधीक्षण की शक्ति सौंपी गई है। हम ऐसी पद्धति विकसित करने या ऐसे उपाय लागू करने का काम हाईकोर्ट्स पर छोड़ना उचित समझते हैं जिन्हें ये विषयगत मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए सही मानते हो, सही लगता हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जिला जज से इन मामलों के निस्तारण के लिए समय समय पर रिपोर्ट लेते रहें। कोर्ट ने सांसदों विधायकों के खिलाफ पेंडिंग मुकदमों का ब्यौरा भी संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया और यह भी कहा कि संगीन अपराधों वाले मामलों की सुनवाई प्राथमिकता पर की जाए। ये थे कोर्ट से जुड़े अपडेट। अब रुख करते हैं बंगाल का, जिसके रास्ते हम फिर दिल्ली लौटेंगे संसद के लिए। पश्चिम बंगाल का एक बड़ा हिस्सा पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगता है। इसी सीमा रेखा पर एक जिला है नादिया। इसी नादिया में मौजूद कुछ विधानसभाओं को मिलाकर एक लोकसभा बनती है कृष्णा नगर। साल 2019 में इस सीट पर जब लोकसभा चुनाव होने थे तो राज्य में पावर संभाल रही तृणमूल कांग्रेस एक अदद उम्मीदवार की तलाश में थी। 2 टर्म से बांग्ला सिनेमा के नायक तापस पॉल इस सीट पर TMC की ओर से सांसदी जीत रहे थे, लेकिन तब तक वो विवादों में घिर चुके थे और पार्टी और राजनीति से दूर हो चुके थे। और तब TMC की निगाह गई 10 साल पहले ही पार्टी में आई एक महिला नेता पर।
पढ़ाई लंदन में हुई थी, जेपी मॉर्गन समेत कई बैंकिंग फर्म्स में काम कर चुकी थी। बाद में राहुल गांधी की टीम में भी रही थी और साल 2016 में इसी नादिया जिले की करीमपुर विधानसभा से विधायक भी चुनी गई थी। बयान देने में तेज थी, इसलिए पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी की नज़र में लंबे वक्त से बनी हुई थी। इनका नाम महुआ मोइत्रा। पार्टी ने महुआ को कृष्णानगर लोकसभा का टिकट दिया। चुनाव में उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे भाजपा के कल्याण चौबे। कल्याण ईस्ट बंगाल और मोहन बागान जैसी टीमों के साथ फुटबॉल खेल चुके थे, जाना पहचाना नाम, लोकल स्टार। चुनाव में महुआ को मिले 6,14,000 वोट और उन्होंने कल्याण चौबे को 64,000 वोटों से शिकस्त दी। जीत के बाद महुआ लोकसभा पहुंची, फिर उनके भाषण वायरल होने लगे, निशाने पर केंद्र की भाजपा सरकार और उद्योगपति गौतम अडानी। जब सोशल मीडिया पर ट्रैक्शन मिलने लगा तो उनके भाषणों में और भी तेजी आ गई। लोगों ने कहा टीएमसी को अपना यंग टर्क मिल गया है। लेकिन साल 2023 का अवसान होते होते महुआ की सांसदी खतरे में पड़ चुकी है और उन पर इल्ज़ाम है नियम कानूनों को ताक पर रखकर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को उद्योगपतियों के साथ शेयर करने का। उन पर इल्ज़ाम है प्रायोजित सवाल पूछने का और प्रतिद्वंदी औद्योगिक समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए गौतम अडानी को लक्ष्य करके प्रश्न पूछने का। उन पर संसद की एथिक्स कमेटी की जांच चल रही थी। जांच किस बात की, ये हम आगे विस्तार से बताएंगे, अभी शॉर्ट में जानिए। महुआ मोइत्रा पर आरोप लगे जो मैंने आपको बताया, लॉगिन डिटेल देने के। किसको दिए उन्होंने? अपने दोस्त दर्शन हीरा नंदानी को। और इल्ज़ाम ये भी कि उन्होंने अडानी पर सवाल पूछने के लिए पैसे लिए। इस पर पूछताछ हुई, फिर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हुई। ये ड्राफ्ट रिपोर्ट सबसे पहले आई एनडीटीवी पर, जिसे साल 2022 में अडानी समूह ने खरीद लिया था। रिपोर्ट का सार ये कि लोकसभा स्पीकर से डिमांड की जाएगी कि महुआ मोइत्रा को निष्कासित किया जाए। फिर 9 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस समेत दूसरे अखबारों में भी ये रिपोर्ट छपी और इसी दिन एथिक्स कमेटी एक बार फिर बैठी। जो एक दिन पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की गई थी उसको एडॉप्ट किया जाना था, स्वीकार किया जाना था और इसके लिए वोटिंग होनी थी। वोटिंग 6-4 के बहुमत से इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के पक्ष में गई। रिपोर्ट के पक्ष में किसने वोट दिया, किसने विपक्ष में, जानते हैं। पक्ष में वोट करने वाले सदस्य भाजपा के सांसद और एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर, भाजपा सांसद राजदीप रॉय, भाजपा सांसद सुमेधानंद सरस्वती, परनीत कौर, ये चौथा नाम है, लोकसभा की सांसद हैं, कांग्रेस के टिकट पर पटियाला से जीती थी लेकिन फरवरी 2023 में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कांग्रेस ने निलंबित कर दिया था। परनीत कौर के पति भी नेता रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के 10 बरस से कुछ कम वक्त तक मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा पक्ष में वोट करने वालों में हेमंत गोडसे, जो शिवसेना के सांसद हैं, और भाजपा की ही सांसद अपराजिता सारंगी। विपक्ष में वोट करने वाले सदस्यों के नाम जानिए। बसपा के दानिश अली, कांग्रेस के वी वैथिलिंगम, कांग्रेस के इतर सीपीआई मार्क्सिस्ट के पीआर नटराजन और जेडीयू के गिरधारी यादव। 6 उधर 4 इधर। 5 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला। कौन है ये? कांग्रेस के सांसद बालाशोरी वल्लभा नेनी, कांग्रेस के ही सांसद एन उत्तम कुमार रेड्डी, भाजपा के सांसद सुभाष भामरे, भाजपा की सांसद सुनीता दुग्गल और भाजपा के ही वीडी शर्मा। वोटिंग के बाद एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर मीडिया से मुखातिब हुए और ये कहा, देखिए कमेटी के सभी सदस्यों ने, चाहे निशिकांत जी के द्वारा जो आरोप था या हीरा नंदानी जी के द्वारा जो एफिडेविट था या अधिवक्ता वकील साहब जो है द्यादरी द्वारा जो बयान था, उन सब रिपोर्ट को विस्तृत अध्ययन करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट कमेटी द्वारा तैयार किया गया और तैयार करने के बाद अपनी सिफारिश के साथ लोकसभा स्पीकर को हम लोग भेज रहे हैं। इसके आगे कार्रवाई लोकसभा कमेटी में शामिल भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी का भी बयान आया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिसेंट नोट दिया गया, सबने अपने डिसेंट नोट दिए और डिसेंट नोट को हमारे चेयरमैन साहब ने स्वीकार किया और जो भी रिपोर्ट हमारा जा रहा है वो डिसेंट नोट के साथ जाएगा और आगामी दिनों का जो कार्य प्रणाली होगी वो हमारे वाचस्पति महोदय पे। जिन सांसदों ने विरोध में वोट किया उन्होंने कमेटी पर आरोप लगाए। कांग्रेस सांसद वी वैथिलिंगम ने कहा, एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट पर बहस नहीं की, सिर्फ वोटिंग की गई, बहस की जरूरत थी। कि आज पहली प्रक्रिया तो पे ही सवाल हम कर रहे हैं, हमारा और पहले दिन से सवाल ही प्रक्रिया पर है। चेयरमैन आए 15 मिनट बाद और 2.5 मिनट में
मीटिंग खत्म हो गई। रिपोर्ट इतनी बड़ी, रिपोर्ट इतनी मोटी, रिपोर्ट डिस्कशन ही नहीं हुआ, और जो रिपोर्ट में नहीं था, जो एक घंटे से डेढ़ घंटे की कार्रवाई पहले दिन की उस ड्राफ्ट रिपोर्ट में शामिल नहीं है, उस पर हमने जो है सदस्यों ने सवाल उठाया कि इसको जो है इसमें सम्मिलित करो, भी नहीं है। बस कौन इसके पक्ष में, कौन इसके पक्ष में है करके, और चेयरमैन जस्ट रैन अवे विद इन 2 मिनट्स। ये तरीका होता है क्या? इसके बाद देशभर से पक्ष और विपक्ष की ढेर सारी प्रतिक्रियाएं आई, उनको भी सुन लेते हैं। जो स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया है, और एथिक्स कमेटी ने एक चीज, जितना डिसेंट नोट का पोर्शन कल मेरे पास आया, उसमें एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने लिखा है कि भाई इनके खिलाफ कुछ है तो आप इन्वेस्टिगेट करो, अगर आपके पास नहीं है एंड इट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन तो आपने एक्सपल्शन कैसे रिकमेंड किया? मेरा सवाल बस इतना है। और मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रो इज कॉम्पिटेंट इनाफ टू फाइट अर बैटल ऑन अर ओन। मुझे भी 4 साल से ये बुला रहे, पूछताछ कर रहे, अलग अलग केसेस में अटैक कर रहे, एक में कुछ नहीं मिल रहा तो दूसरे में अटैक कर रहे, दूसरे में कुछ नहीं मिल रहा तो तीसरे में अटैक कर रहे, वो इनका स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। शुरू से ही ये पता चल गए थे कि ये एथिक्स कमेटी की गठन के पीछे मकसद तो एक ही थी कि महुआ मोइत्रो को सदस्यता खारिज किया जाए। राहुल गांधी जी की भी सदस्यता खारिज किए गए थे, हमारे हिंदुस्तान के जाने माने उद्योगपति के खिलाफ बात रखने के लिए, वही इल्जाम इनके खिलाफ भी लगी हुई थी। कोई नियमों के खिलाफ कुछ हुआ हो सकते, लेकिन इसके नतीजा ये नहीं होना चाहिए कि सदस्यता ही खारिज कर दे। ये उनकी खीज है, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं मेरे सैंडल और शूज गिनती कर ले, इसका मतलब है अपराधी है। जो अपराधी होता है वही इस प्रकार दाएं बाएं की बात करता है, चिढ़कर बात करता है। अब जानते हैं एथिक्स कमेटी के अंदर हुआ क्या, जहां से महुआ की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव आया। इंडिया टुडे के पत्रकार हिमांशु मिश्र वहां मौजूद थे, सुनते हैं भीतर का हाल। बैठक के शुरू होते ही सबसे पहले, क्योंकि बैठक का एजेंडा जो है वो सिंगल पॉइंट था, जो महुआ मोइत्रा मामले में जो रिपोर्ट है उसको जो है कंसंट्रेशन और अडॉप्शन के लिए था। तो बैठक शुरू होते ही जो है चेयरमैन जो है विनोद सोनकर, उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं जो रिपोर्ट तैयार की गई है, जो कल देर शाम जो है सभी सदस्यों को रिपोर्ट जो है सर्कुलेट कर दी गई थी, और उनसे कहा गया था कि अगर आपका कोई डिसेंट नोट है तो आप जरूर दीजिए, अगर आप इस रिपोर्ट के पक्ष में हैं तो अडॉप्शन के समय आप बता सकते हैं। और जैसे ही बैठक शुरू हुई, चेयर ने कहा कि हम चाहते हैं कि रिपोर्ट अडॉप्ट हो जाए, विपक्ष के 4 सांसद जो हैं उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है और हम अपना डिसेंट भी देना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि दर्शन हीरा नंदानी, क्योंकि पूरा मामले में महुआ मोइत्रो और दर्शन हीरा नंदानी के बीच में जो भी कुछ हुआ है, लॉगिन हुआ है, दुबई में हुआ है, दर्शन हीरा नंदानी के दफ्तर से हुआ है लॉगिन 47 टाइम, तो उन सब को लेकर दर्शन हीरा नंदानी को भी जो है वो समन किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया है। निशिकांत दुबे और जो जय अनंत वकील हैं उनकी गवाही हुई, उसके बाद महुआ मोइत्रा ने अपने पक्ष रखा था, और जब सवाल जवाब हुए तो उन्होंने उन सवालों जवाब जो सवाल जवाब थे उनका जवाब देना उचित नहीं समझा, उन्होंने कहा कि उनसे पर्सनल सवाल पूछे गए। आज क्योंकि हम सब जानते हैं, हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस पूरी जो रिपोर्ट है उसमें ये सिफारिश की गई है स्पीकर को कि महुआ मोइत्रा ने जो है वो एज ए सांसद रहते हुए उनके जो ऐप है, पोर्टल का ऐप है, उस ऐप को 47 टाइम जो है वो दुबई के अंदर जो है वो लॉगिन किया गया है। अब उसका सवाल पूछा गया तो उसका सवाल का जो है वो जवाब महुआ मोइत्रा ने नहीं दिया कि किसने किया, आपके पीएस ने किया या किसी अन्य व्यक्ति ने किया, उसकी जानकारी दीजिए, उसका नंबर दीजिए। ये तमाम चीजें जो है पिछली बैठक में हुई थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज जब एक्सप्लेनेशन की बात हुई तो उसको लेकर जब विपक्षी सांसदों ने देखा कि स्कोर जो है वो इक्वल है, 5 जो है रूलिंग पार्टी के सांसद थे चेयरमैन को मिला के, क्योंकि 10 ही सांसद जो है आज इस बैठक के अंदर उपस्थित थे 15 में से चेयरमैन को मिला के, और 5-5 सांसद दोनों पक्ष के थे।
अब संक्षेप में जानते हैं कि केस क्या है। तारीख थी 15 अक्टूबर 2023। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को शिकायती खत लिखा। आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा संसद में अडानी समूह के खिलाफ सवाल पूछने के लिए पैसे लेती हैं, लिहाजा उन्हें लोकसभा से सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जाँच हो। निशिकांत ने कहा कि बिजनेस ग्रुप हीरा नंदानी समूह को अडानी ग्रुप की वजह से एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया। साथ ही अडानी समूह और हीरा नंदानी समूह कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए देश के कई इलाकों में एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाते हैं, यानी दोनों में तगड़ा कॉम्पिटिशन है। दुबे के आरोपों को ट्रांसलेट करें तो लगता है कि दर्शन हीरा नंदानी ने खार खाकर महुआ मोइत्रा को पैसे दिए कि लोकसभा में अडानी को लेकर सवाल उठाएं, पर ये आरोप हैं। निशिकांत ने यही एक चिट्ठी नहीं लिखी, 15 अक्टूबर को उन्होंने केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के नाम भी एक चिट्ठी लिखी। इसमें गोड्डा सांसद ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरा नंदानी को अपना लोकसभा वेबसाइट का लॉगिन और आईडी पासवर्ड दिया। फिर निशिकांत ने मांग रखी कि आईटी मंत्रालय महुआ मोइत्रा की लॉगिन आईडी की जांच करे और पता लगाए कि कहां कहां से इस अकाउंट को एक्सेस किया गया, चलाया गया, क्या उन जगहों पर वो खुद मौजूद थी या नहीं। इन आरोपों पर महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर उसी दिन जवाब दिया। एक्स पर उन्होंने लिखा, फर्जी डिग्री वालों के साथ भाजपा के अन्य सांसदों के खिलाफ भी बहुत सारे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मोशन संसद में पेंडिंग है। मेरे खिलाफ किसी भी मोशन का स्वागत है अगर स्पीकर उनकी जांचों को पूरा कर लें, और इस बात का भी इंतजार कि ईडी और दूसरी एजेंसियां मेरे दरवाजे पर आने के पहले अडानी कोयला घोटाले में FIR दर्ज करें। महुआ ने यह भी लिखा कि शायद ही कोई सांसद अपना लोकसभा का पोर्टल खुद चलाता हो, उसे ऑपरेट करने के लिए उसके पास बहुत सारा स्टाफ और सहकर्मी होते हैं। आरोप लगाने के दो दिन बाद यानी 17 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा दिल्ली हाईकोर्ट गई। निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई और कई मीडिया संगठनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने मीडिया संस्थानों के खिलाफ किया केस वापस ले लिया। बहरहाल निशिकांत दुबे ने जिस दिन यानी 15 अक्टूबर को ये आरोप लगाए उसी दिन देहाद्राई ने भी TMC सांसद के खिलाफ CBI में एक हलफनामा दायर किया। दुबे ने अपने पत्र में कहा था महुआ के खिलाफ उन्हें सबूत देहाद्राई ने ही दिए हैं। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान देहाद्राई ने बताया कि उन्हें CBI की शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया और इसके लिए महुआ मोइत्रा के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने 19 अक्टूबर को उन्हें फोन किया। सवाल है कि ये देहाद्राई कौन है? खबरों में इन्हें महुआ का खास दोस्त बताया जा रहा है जिनकी महुआ से दोस्ती टूट चुकी है। लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करें तो पाएंगे कि पुणे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, फिर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से अमरीका के कानून में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नादकर्णी के अधीन चैंबर जूनियर के रूप में काम किया, फिर गोवा सरकार के सरकारी वकील बने, अब खुद की लॉ फर्म है लॉ चैंबर्स ऑफ जय अनंत देहाद्राई के नाम से, सफेदपोश आपराधिक मामले, कमर्शियल मुकदमेबाजी और संवैधानिक मुद्दों से जुड़े केस लड़ते हैं। इसके अलावा अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए 2013 से 2022 तक द इररेलेवेंट लॉयर नाम से कॉलम लिखते थे, बाकी संस्थाओं के लिए भी लिख चुके हैं। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनंत और महुआ 3 साल तक एक रिश्ते में थे। इस साल की शुरुआत में दोनों अलग हो गए। महुआ ने मानहानि मुकदमे में भी देहाद्राई का जिक्र किया। मुकदमे में दर्ज है कि मोइत्रा ने इस साल मार्च और सितंबर में बाराखंबा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ घुसपैठ और चोरी की 2 शिकायतें दर्ज की, लेकिन बाद में मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का हवाला देकर अक्टूबर में शिकायतें वापस ले ली। महुआ और अनंत ने मोइत्रा के कुत्ते हेनरी की कस्टडी को लेकर भी लंबी लड़ाई लड़ी। अब वापस आते हैं केस पर। अब तक सब कुछ आरोप तक सीमित था, नया मोड़ आया 19 अक्टूबर को जब दर्शन हीरा नंदानी ने एक हलफनामा दिया। यह हलफनामा लोकसभा की एथिक्स कमेटी को लिखा गया। इसमें हीरा नंदानी ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा को उनके दोस्तों और सलाहकारों ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की सलाह दी और इसी कारण से महुआ लगातार गौतम अडानी पर सवाल उठाती हैं। हीरा नंदानी ने बताया जब उन्होंने अडानी ग्रुप को लेकर सवालों का पहला सेट दिया तो उस पर मिली प्रतिक्रिया से महुआ बहुत खुश थी। इसके बाद महुआ ने उन्हें अडानी ग्रुप पर हमला करने में लगातार मदद करने को कहा और पार्लियामेंट लॉगिन और पासवर्ड भी शेयर कर दिया ताकि महुआ के बदले वे खुद सवाल पोस्ट कर सकें। यह भी दावा किया कि महुआ मोइत्रा उनसे लग्जरी आइटम गिफ्ट के तौर पर मांगती थी, छुट्टियों और यात्राओं पर होने वाले खर्च मांगती थी। उन्होंने दिल्ली में महुआ के बंगले का रेनोवेशन भी करवाया। बाद में इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने इंटरव्यू में महुआ ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने अपना लॉगिन डिटेल दर्शन हीरा नंदानी के साथ शेयर किया था, लेकिन उन्होंने पैसे या किसी भी किस्म की आर्थिक मदद से इनकार किया। एथिक्स कमेटी की पूछताछ में भी महुआ ने यही बात दोहराई और इसके बाद एथिक्स कमेटी किस निष्कर्ष पर पहुंची वो हम आपको बता चुके हैं। लेकिन महुआ केस की जांच कर रही है, एथिक्स कमेटी के काम पर भी सवाल उठाए गए। जैसे कमेटी की पूछताछ से बाहर आई महुआ ने कहा वो पर्सनल किस्म के सवाल पूछ रहे थे, जैसे मैं किससे बात करती हूँ, कब बात करती हूँ। महुआ ने कमेटी की पूछताछ के लिए वस्त्र हरण जैसी उपमाओं का इस्तेमाल किया था। महुआ को साथ मिला कमेटी के दूसरे विपक्षी सदस्यों का, जैसे दानिश अली। उन्होंने कहा महुआ से पर्सनल सवाल पूछे गए। जब 9 नवंबर को कमेटी की रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट के साथ दानिश अली को भी डांट पिलाई गई कि उन्होंने कमेटी के भीतर की बातें बाहर क्यों रखी। सुनिए दानिश अली के आरोप। जो करना था हमने कर दिया, हमने प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं,
विपक्ष के सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दे दिया है, क्योंकि ये प्रक्रिया ही स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन यही गलत है। रिपोर्ट में क्या है उसको हम डाइवल्ज नहीं करेंगे, क्योंकि हम कानून से बंधे हुए, हम लोकसभा सेक्रेटरीट के रूल से बंधे हुए। ये काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं, आपके ही एएनआई को सारे एथिक्स कमेटी के मेंबर्स ने 26, 2 और 3 तारीख को इंटरव्यू दिया है, आपके रिकॉर्ड पे है। वहां पर रूल 275 अप्लाई नहीं होगा, रूल 275 दानिश अली पे अप्लाई होगा, विपक्ष के सांसदों पर अप्लाई होगा। लेकिन महिलाओं के साथ अगर अन्याय होगा तो उसके खिलाफ दानिश अली और विपक्ष खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये तो विपक्षी सांसदों की बात हो गई, लेकिन एथिक्स कमेटी के जो मेंबर थे, जो महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई के पक्ष में थे, उन्होंने सुनवाई की जानकारी के लीक होने पर तब क्या बयान दिया था वो भी सुनते हैं। निजी सवाल का जहां तक बात आपने किया है, मिस्टर उत्तम रेड्डी ने जय आनंद देहद्राई को पर्सनल सवाल पूछा था। मैं बताना नहीं चाहता हूं यहां पे, लेकिन उन्होंने, मिस्टर जय आनंद ने बोला है, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मिस मोहुआ मोइत्रो को 3 ऑप्शन दिया गया था। पहला ऑप्शन था आप उत्तर दे दीजिए, दूसरा ऑप्शन था आप उत्तर मत दीजिए, तीसरा ऑप्शन था आप लिखित रूप में उत्तर दीजिए। तो तीनों ऑप्शन का बाद उन्होंने बोला कि आपका कोई हक ही नहीं है ये सवाल करने का, ये निजी सवाल है। कोई जांच की दायरे में अगर होता है, जांच के लिए कंक्लूशन में आने के लिए ये सब सवाल जरूरी था, मोहुआ मोइत्रो जी बोलना जरूरी था। तो शी ट्राइड अवॉइडिंग, उनको उत्तर नहीं देना था, जांच कमेटी का सामने खुद को एक्सपोज नहीं करना था, इसलिए ये रकस करके वो लोग वॉकआउट कर गए। लेकिन एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट अडेप्ट होने के बाद महुआ की अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन कुछ ही घंटों पहले स्पीकर को लिखी उनकी चिट्ठी एक्स की वॉल पर है। इस पर उन्होंने आरोप लगाया कि 8 नवंबर को बनी ड्राफ्ट रिपोर्ट एनडीटीवी पर कैसे लीक हो गई, इसकी जांच की जाए। अब बात करते हैं विकल्पों की। नियम कहता है कि महुआ के खिलाफ तैयार की गई ये रिपोर्ट अब स्पीकर के पास आएगी। हो सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष इसे आगामी संसद सत्र में सदन के पटल पर रखें, फिर इस पर बहस होगी और फिर हाउस की वोटिंग होगी। इस वोटिंग के बहुमत के आधार पर तय होगा कि महुआ को लोकसभा से निष्कासित किया जाए या नहीं। इसके साथ और क्या संवैधानिक विकल्प हैं महुआ के पास और उन पर इल्जाम लगाने के बाद, इसे जानने के लिए हमने रुख किया इंडिया टुडे टीवी के पॉलिटिकल रिपोर्टर हिमांशु और लोकसभा के पूर्व जनरल सेक्रेटरी पीडीटी आचार्य का। देखिए, जो ऑप्शन ये सुप्रीम कोर्ट में हाउस का जो फैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर चैलेंज किया जा सकता है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने निर्णयों में स्पष्ट किया है। एक तो ये है कि हर मामले को लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते, हाउस के पास अपना अधिकार है, उस अधिकार का उपयोग करके है उसने एक फैसला दिया है। तो अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो उसमें उसके ग्राउंड्स है, उसके आधार है, जिस किस आधार पर आप चैलेंज कर सकते हैं, ये स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में। कि आगे अगर हम देखें उस पूरे मामले को, तो उसमें एक चीज मुझे समझ आती है, जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने जो है आज अपने वक्तव्य में ये कहा कि बीजेपी जो है उन्हें एक नारी के रूप में देख रही है, अबला नारी, लेकिन वो बंगाल की नारी हैं और दुर्गा का प्रतीक है, और बंगाल में नारी को जो है वो दुर्गा के रूप में देखा जाता है, तो दुर्गा को कम ना समझे, बंगाल की किसी स्त्री को, महिला को आप कम मत समझिए। तो उन्होंने खुले तौर पर जो है वो चुनौती भी दी और उन्होंने कहा कि 2024 का जो रथ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो रोकेंगी विपक्ष के सांसदों के साथ मिलकर, यानी विपक्षी दलों के साथ मिलकर। अब क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो राजनीति हो चुका है और इसमें कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा भी ममता बनर्जी का साथ दिया गया, और यहां तक कि जो है टीआरएस के सांसद हैं उत्तम कुमार रेड्डी, उन्होंने भी दिया, तो इस तरह, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के उत्तम कुमार रेड्डी आज नहीं आ पाए, उन्होंने अपना डिसेंट नोट जो है वो दिया है, और उस डिसेंट नोट में उन्होंने कहा कि हीरा नंदानी को क्यों नहीं इस बैठक में बुलाया गया, क्योंकि पूरे मामले में महुआ मोइत्रा और हीरा नंदानी के बीच में बातचीत जो भी हुई है, जो भी चीजें हुई है उन दोनों के बीच में, तो उनका पक्ष भी जानना जरूरी था, उनसे भी सवाल जवाब किए जाने चाहिए। तो मुझे लगता है इस पूरे मामले को जो है भारतीय जनता पार्टी भी जो है
जनता के बीच में लेके जाएगी कि एक सांसद ने जो है कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, और उनका एक पोर्टल जो है सांसद का जो पोर्टल है वो कोई दूसरा व्यक्ति, ना उनके दफ्तर का ना उससे कोई और व्यक्ति, बाहर विदेश में दुबई में बैठकर लॉग इन करता है 47 टाइम और सवाल पूछता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मैटर बनता है और तमाम तरीके के इश्यूज जो है वो महुआ मोइत्रा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि चुनावों में हो। और मुझे लगता है कि अब जब रिपोर्ट का की सिफारिशें जो है वो स्पीकर को अगर भेज दी गई हैं तो अगले 1 से 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुखर नजर आएगी विपक्ष के ऊपर, और इंडिया गठबंधन को लेकर ये सवाल जरूर खड़ा करेगी कि आप कैसे जो हैं वो बताएं कि महुआ मोइत्रा ने राष्ट्र के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया, कि कोई व्यक्ति 47 टाइम उनका लॉगिन जो है वो बाहर विदेशों में बैठ के करता है। अभी के संकेतों को देखें तो महुआ की सांसदी पर खतरा भरपूर है। शीत सत्र में संभवतः इस मामले का किसी भी सूरत में पटाक्षेप हो। हमारी इस प्रसंग पर नजर बनी रहेगी, आपकी नजर भी देश की संसद पर बनी रहे। आज के शो में खबरों का सिलसिला यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभरात्रि। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको ललन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।